गर्भ धारण के दौरान स्त्रियां विभिन्न चरणों से गुजरती हैं। इस दौरान उन्हें तरह तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इनमें से एक चरण उल्टी आना भी है। प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी आना आम बात है। जब महिला गर्भ धारण करती है तो सर्वप्रथम उसे उल्टी आती है। गर्भावस्था की पहली तिमाही के अंतराल में मितली, उल्टी, मॉर्निंग सीकनेस आदि की समस्या सबसे ज्यादा होती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा उल्टी आ रही हो तो इसका उपचार जल्द ही करना चाहिए, वरना यह समस्या आपको परेशानी में डाल सकती है। इस समस्या से बचने के लिए आज हम आपको एक घरेलू नुस्खा बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उल्टी आने पर आप क्या करें। दरअसल गर्भवती को अगर उल्टी आ रही हो तो रात को एक गिलास पानी में काले चने भिगो दें और सुबह यह पानी पी लें, या फिर भुने चने का सत्तू पानी में घोलकर स्वादानुसार नमक या चीनी डालकर पिएं। इससे उल्टी में महिलाओं को फायदा होगा। गर्भवती महिला को खाना खाने के बाद उल्टी से बचने के लिए थोड़ा मात्रा में अजवाइन का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे मिचली नहीं होती और खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। गर्भ के दौरान महिलाओं की उल्टी को रोकने में अदरक भी कारगर साबित होता है। ये पाचन तंत्र को ठीक कर पेट में बन रहे अम्ल को शांत करता है। और अगर महिला को उल्टियां आ रही हो तब जब उन्हें यह इस बात का एहसास हो तो उल्टी आने के पहले वह अदरक को सूंघ लें तो उल्टी तत्काल रुक जाएगी और महिला को उल्टी आने से रोकथाम मिलेगी। नेक्स्ट 9 क्यूरियन हेल्डेक्स की रिपोर्ट।